हाय फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए वीडियो में। एंड गाइस, माफ़ी चाहूँगा ये वीडियो थोड़ी लेट जाएगी क्योंकि मैं ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो कल सुबह अपलोड होगी। जैसे कि आपको पता है, हर सुबह 8 बजे मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये नया शेड्यूल बनाया मैंने। सो गाइस, आज बेसिकली मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाले हैं। एक वीडियो बनाई थी, एक लाइव स्ट्रीम करी थी, तो ये वीडियो थोड़ा डिले जा रहा है। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, बट वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल में फर्स्ट टाइम और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। तो गाइस, सबसे पहले आपको पता होगा नया स्नीक पीक आ चुका है और स्नीक पीक में कुछ कमाल की चीज़ें हैं, मेरी फेवरेट कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मेरे को लगी कि ज़रूर करना चाहिए था सुपरसेल को, और फाइनली सुपरसेल ने ये किया। सबसे पहले बात करेंगे जो नए लेवल के आर्चर टावर्स और नए लेवल के कैनन्स हैं। आपको पता होगा हाल ही में अपडेट आया था जहाँ पे कैनन्स, आर्चर टावर्स और भी कुछ चीज़ों की जो है डीपीएस और हिट पॉइंट्स जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज करी गई थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी थोड़ी इंक्रीज़ करी गई थी। वहाँ पे एक्सबो था और आई थिंक मोटार था जिसे थोड़ा सा बफ मिला था, बट फाइनली एक नया लेवल आर्चर टावर और कैनन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि नॉट बैड, अच्छी बात है। क्योंकि अब देखो, रिसोर्स जो है उन्हें काम पे लगाते रहना चाहिए। लोग जो लोग मैक्स कर चुके हैं उनके लिए कुछ नया करने को मिलेगा, ऐसा नहीं है वो ऐसे बैठे रहेंगे। तो टाउन हॉल 13 जो कि उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए कमेंट से ज़रूर बताना। सो उससे पहले एक अच्छी बात है कि जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो मैक्स आउट प्लेयर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसा हो कि वो बिजी रहें। अब नया बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नया ट्रूप्स के लेवल। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि बता रहा हूँ, लेवल 5 के विचेस लेवल 9, फ्रीकिंग लेवल 9 के हॉग राइडर्स, मजाक नहीं है कोई। सो गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? आपको पता है CWL का जो चैंपियनशिप वो आने वाला है, वो सर पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप लेवल 5 के विचेस देते हो और लेवल के 9 हॉग्स देते हो, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो नए नए स्ट्रेटजीज बनाएंगे विद हॉग्स एंड विद विचेस। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं भी ट्राई करने के लिए बेताब हूँ। और क्योंकि आपको पता है मैं TH12 का प्लेयर हूँ, तो बहुत जल्द से जल्द मैं लेवल 5 के विचेस करने की कोशिश करूँगा, लेवल 9 के हॉग्स करने की कोशिश करूँगा। मीनवाइल यहाँ पे जो डैमेज और बाकी स्टैट्स है ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, उनमें कितना बफ है, कितना ये है, ये आप अकॉर्डिंग टू उनके स्टैट्स देख सकते हो। आइस गोलम का एक नया लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, बट एक चीज़ में थोड़ा सा शक है मेरे को, मतलब शक नहीं, ये यकीन है मेरे को कि आइस गोलम फिर भी एक डिफेंसिव ट्रूप की तरह ही यूज़ होगा। अब मेरे को किसी भी एंगल से लगता नहीं है कि आइस गोलम को ये अटैक में यूज़ करेगा, अगर करता भी है तो बहुत ही रेयरली, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई नहीं करता, बट रेयरली करता है। कभी कभी मैंने एक कॉम्बिनेशन देखा है यूज़ करते हुए CC में, एक पेका और एक आइस गोलम, बट ज़्यादा बल्क में यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे विचेस होते हैं, बुलेट्स होते हैं, वेलक्रीज होते हैं, या फिर हॉग्स बोलो या फिर बलून, जो भी बोलना है बोल लो, ये आइस गोलम जो है ये मेरे ख्याल से बेसिकली डिफेंसिव जैसे पहले यूज़ हो रहा था, बट अभी भी वही यूज़ होगा। बट बहुत बड़ा एक बट है गाइस। क्या? अब जो सबसे अच्छा बैलेंस चेंज मेरे को लगा, वो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, आपको पता होगा मैं लाइव स्ट्रीम जब कर रहा था वॉर की, तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था डबल आइस गोलम से CC के। क्यों? क्योंकि CC के जो आइस गोलम थे वो इतना ज़्यादा फ्रीज टाइम उनका था, ट्रूप्स को फ्रीज कर दे रहे थे, और अटैक जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था, आपके ट्रूप्स भी मर रहे थे, उसी के साथ आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पे सुपरसेल ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने यहाँ पे जो फ्रीज टाइम है वो कम कर दिया गया है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, फ्रीज टाइम अलग अलग होगा। मतलब अगर आप डिफेंसिवली यूज़ करते हो तो फ्रीज टाइम अलग, अगर आप ऑफेंसिवली यूज़ करते हो, अटैक करने के लिए यूज़ करते हो, तो फ्रीज टाइम अलग। जब डिफेंस का फ्रीज टाइम पहले क्या था, 4 सेकंड था, जिसे अब कम करके 2.5 सेकंड कर दिया गया लेवल 1 का। सारे स्टैट्स आपके सामने हैं, ठीक है। लेवल 4 जो अभी का मैक्स है उसका 6.25 सेकंड था, जिसे रिड्यूस करके 3.25, 3 सेकंड कम, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो सच में अब मेरे को लग रहा है कि हाँ, बैलेंस रहेगा। अब डबल आइस गोलम यूज़ अभी भी करेंगे मेरे ख्याल से बहुत लोग करेंगे, क्योंकि 2 आइस गोलम अभी भी आपको 6.5 सेकंड, आई थिंक यस 6.5 सेकंड, अगर लेवल 4 है और मैक्स लेवल का, तो 7 सेकंड फ्रीज करेगा 2 आइस गोलम। बट चलो ठीक है, पहले से थोड़ी राहत है। अब बात करेंगे यहाँ पे टोर्नेडो ट्रैप भी बहुत अनोइंग था, क्योंकि उसका टाइम सबसे अनोइंग था, उसका टाइम बहुत ज़्यादा। लेवल 3 का टोर्नेडो ट्रैप 10 सेकंड के लिए आपके ट्रूप्स को जो है वो रोक के रख देता था, अब वो कम करके 7 सेकंड कर दिया गया है। यहाँ पे भी एक 3 सेकंड का आपको अच्छा खासा रिडक्शन मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बढ़िया है। ये ट्रूप्स, ये आइस गोलम CC में और ये टोर्नेडो ट्रैप बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थे। तो यहाँ पे मिला जुला के जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऑफेंस में थोड़ा सा अब जो है वो बेनिफिट हो रहा है। आप देखो, नए लेवल के विचेस, नए लेवल के हॉग राइडर्स, यहाँ पे भी बेनिफिट मिल रहा है, और जो ट्रैप्स है, जैसे टोर्नेडो ट्रैप का रिड्यूस किया गया है टाइम, उसी के साथ आइस गोलम का फ्रीज टाइम भी रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो ऑफेंस है उसे बफ मिलेगा मेरे ख्याल से।
अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, जैसे कि वॉल ब्रेकर्स और बॉम्ब ट्रैप। ये यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, थोड़ा सा हिट पॉइंट का चेंज है वॉल ब्रेकर का लेवल 7 और लेवल 8 के वॉल ब्रेकर्स में। तो उसे कॉम्बैट करने के लिए लेवल 7 और लेवल 8 के जो बॉम्ब है उसके हिट पॉइंट्स भी इंक्रीज कर दिए गए। सो मेरे ख्याल से बैलेंस है, ठीक है। आपके वॉल ब्रेकर्स के थोड़े हिट पॉइंट बढ़े, आपके बॉम्ब के जो डैमेज वो भी बढ़ गए, तो यहाँ पे इवन हो गया सीन। अब है बिल्डर बेस का छोटा मोटा चेंज है यहाँ पे, जैसे कि ओके, मैंने बिल्डर बेस का देखा नहीं था पहले, अच्छे सच बताऊँ तो जायंट कैनन का कुछ चेंज है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान दूंगा क्योंकि आपको पता ही है कि बिल्डर बेस में कोई ज़्यादा बहुत कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कोई भी, बट फिर भी अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आप खुद से देख लेना। इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में, ना ही मैं बैटल मशीन के ऊपर कोई डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक चीज़ है जिसको मैंने अच्छे से देखा और मैं इससे आपको मतलब डिस्कस करना चाहूँगा, ये है डार्क क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट। यहाँ पे ये है क्लाउडिंग, आपको पता है जो क्लाउडिंग होती है वहाँ पे वाइट एक स्क्रीन आ जाता है, क्लाउड टाइप का आ जाता है, तो उसमें आपको अब डार्क थीम मिलेगा, डार्क ऑप्शन मिलेगा। मतलब ये मत सोच लेना कि बेस में आपको कोई थीम मिल रहा है, बेस में कोई थीम नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ क्लाउडिंग में एक डार्क थीम मिलेगी जिसको आप सेटिंग्स में जाके इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको पता है कि कैसे करके करना है। सो ये स्नीक पिक आज के लिए आया हुआ है और आई थिंक कि और एक दो स्नीक पिक हम देखेंगे अपडेट आने से पहले। आई थिंक हमने ये थर्ड स्नीक पिक देखा, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज का था, एक बैलेंस अपडेट का और एक बैलेंस अपडेट का भी था, और ये एक और बैलेंस अपडेट आ रहा है। तो गाइस कुछ बैलेंस अपडेट्स के हम लोग स्नीक पिक देख रहे हैं और आने वाले टाइम में आई थिंक कुछ बड़ा स्नीक पिक देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि अभी तक आई डोंट थिंक, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि सुपरसेल सब कुछ रिवील कर दिया है। मेरे ख्याल से कुछ बड़े बड़े चीज़ें अभी भी होल्ड पर रखा है उन्होंने, तो देखते हैं, बहुत जल्द आएंगे आई थिंक। और गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक देना, चैनल में फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना गाइज, और मैं आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें एंड एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद।